बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीकी। अब किसानों का खेत उगलेगा तेल, पेट्रोल डीजल हो जाएगा फ्री। अरब देशों के तेल का धंधा हुआ चौपट। भारत के किसानों की पलटी तकदीर, जिसे देख हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, भारत तकनीक की दुनिया में ऐसी छलांग लगाता चला जा रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं, इसलिए चीन, रूस, अमेरिका और जापान की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। उन्हें डर है कि अब हमारे हाथ से तकनीक की दुनिया का बादशाहत छिनने वाला है, क्योंकि जब देखो तब भारत एक से बढ़कर एक तकनीक की दुनिया में भूचाल ला रहा है। पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत की तकनीक पर है। इसकी असल वजह यह है कि भारत जो जो तकनीक विकसित कर रहा है वो दुर्लभ है, यानी जिसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन है, और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से संभव हो पा रहा है। अब भारत छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज खुद विकसित करने लगा है, यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। यही बात है कि चीन, रूस, अमेरिका और जापान में बवंडर मच गया है, उनकी दादागिरी पर लगाम लग गया है, क्योंकि आए दिन ये देश अपनी अकड़ दिखाते थे और भारत को मजबूरन सहना पड़ता था। लेकिन मोदी ने ऐसा चाबुक चलाया है कि इनके चिथड़े उड़ गए हैं। देखा जाए तो भारत इस समय सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुट गया है, क्योंकि इस सेक्टर में भारत की दूसरे देशों पर से डिपेंडेंसी 85% तक रही है। लेकिन भारत ने इस आंकड़े को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठा लिया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है, और जल्द ये सख्त कदम ना उठाया गया तो इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी के नए नए ऑप्शन ढूंढ रही है। अभी तक एनर्जी के तौर पर पेट्रोल डीजल का ही इस्तेमाल बड़े जोरों शोरों से हो रहा है, और प्रदूषण इस कदर फैलता चला गया है कि मानो हमारी आंख पर पट्टी बंध गई हो, दिखाई तक नहीं दिया। जब जीवन खतरे में आया तब अक्ल ठिकाने पर आई, और तो और इस पर इस कदर आदि हो चुके हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सोचे तक नहीं। देर सही, लेकिन अब भारत की अक्ल ठिकाने पर आ गई है, इसलिए भारत ने सबसे पहले इस क्षेत्र में लंबी छलांग मारी है। दूसरी बात यह भी है कि पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम इस कदर बढ़ गया है कि जिसके बारे में पूछो ही मत। भारत के इस सख्त कदम से अरब देशों की बैंड बजने वाली है। अगर देखा जाए तो क्लीन एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बैटरी को देखा जा रहा है, जिसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ये ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा, और तो और ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत कचरे, किसानों के खेत में फसलों से पैदा हुआ एग्रीकल्चर वेस्ट, और तो और हमारे द्वारा फेंके गए भोजन और साग सब्जियों का इस्तेमाल भारत की तकदीर बदलने में कर रहा है। यानी भारत सभी तरह के कचरे से एनर्जी प्रोड्यूस करने के तरीके पाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये सच है कि इस समय एनर्जी सेक्टर में महारत हासिल करने के लिए भारत अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसकी बदौलत पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। भारत की कामयाबी को देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। मेन खबर यह है कि भारत इस बार अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए एक अनोखा और दुर्लभ तरीका ढूंढ निकाला है। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस बार भारत कचरे से नहीं बल्कि एक तरह की घास से कभी खत्म न होने वाली एनर्जी प्रोड्यूस करने में महारत हासिल कर ली है। ये ऐसी घास है जिसकी लंबाई आदमी की हाइट से भी काफी ऊंची होती है, और इसे आम भाषा में बांस कहा जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि बांस का इस्तेमाल न केवल गाड़ियों के ईंधन के लिए बल्कि थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला बनाने में भी किया जा सकेगा, और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि इस पर
भारत में बड़े जोरों शोरों से काम शुरू हो गया है, इसलिए पूरी दुनिया हैरान है। भारत द्वारा विकसित ये एक ऐसी दुर्लभ तकनीकी है जिसकी मदद से बेहद कम लागत में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। देखा जाए तो जिस बांस को हम यूं ही फेंक देते हैं, उसी बांस का इस्तेमाल अब NTPC बायो एथेनॉल और कोयला बनाने में करेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा काम करके दुनिया का पहला स्थान हासिल कर लिया है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के इस कामयाबी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत ने इंटरनेशनल मार्केट में बाउंडल ला दिया है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान की बोलती बंद हो गई है। इसके लिए NTPC ने कैम्पोलिस इंडिया के साथ एक नॉन बाउंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत बम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी प्लांट सेटअप की जाएगी। ये तकनीक एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगी, क्योंकि भारत में 1500 प्रकार के बांस पाए जाते हैं और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बांस की खेती होती है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के 80% बांस के जंगल चीन, भारत और म्यांमार में पाए जाते हैं, और भारत में हर साल करीब 3.5 मिलियन टन बांस की पैदावार होती है। इन सबके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में भारत का केवल 4% ही हिस्सेदारी थी। यही वजह है कि इतनी पैदावार होने के बावजूद हजारों टन बांस को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, या कई छोटे इलाकों में इन्हें जलाकर भोजन पकाने के लिए ईंधन के तौर पर किया जाता है। जिस बांस पर अभी तक किसी की भी नजर नहीं पहुंच पाई, वहां NTPC ने इसको लेकर ये बड़ा चमत्कार कर डाला है। आपको बता दें कि इस एग्रीमेंट पर साइन इसी 10 अप्रैल को हुआ है और बहुत ही जल्द ही असम के बोंगई गांव में इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा। इस प्लांट को असम में लगाने का मेन कारण यह है कि असम में बांस की बड़े लेवल पर खेती होती है। अब गर्मियों के आते ही बिहार की थर्मल पावर प्लांट में कोयले की भारी कमी देखने को नहीं मिलेगी और कई टन कोयला ऑस्ट्रेलिया समेत पड़ोसी देशों से इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। NTPC की सोच ने भारत की तकदीर ही बदल दी है, साथ ही साथ किसानों की भी तकदीर बदल गई है। अब NTPC बांस का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के साथ साथ बायो एथेनॉल में बनाने में करेगी। अभी तक एथेनॉल गन्ना, मक्का, आलू, चावल, अंगूर और गेहूं से बनाया जाता है। भारत में गन्ना, अमेरिका में मक्का और इंडोनेशिया में या पाम तेल से बनाया जाता है। भारत के कुल एथेनॉल का करीब 65% गन्ने से आता है। एथेनॉल बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने की मशीन में पेराई की जाती है। इसके बाद गन्ने के रस को एक टैंक में कुछ घंटों के लिए एकत्रित करके उसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर टैंक में बिजली से हीट देकर एथेनॉल बनाया जाता है। खास बात यह है कि आप एक टन गन्ने से 90 लीटर तक एथेनॉल बना सकते हैं, जबकि एक टन गन्ने से 110 से 120 किलो तक की शक्कर तक का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन एथेनॉल बनाने का यह तरीका काफी महंगा पड़ता है। अब बांस से काफी सस्ते तरीके से एथेनॉल तैयार किया जा सकेगा। भारत महंगाई की कमर तोड़ने का काम करेगा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।